हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गुरुकुल पे। तो हम लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे रेफ्रिजरेशन साइकिल पे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 2003 में आया हुआ है, कॉमन डेटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, 4 मार्क्स का, गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन। ईएस में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन करने, कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, या आप किसी यूनिवर्सिटी का कहीं का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करेंगे। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम हो, आप क्वेश्चन आराम से इजीली सोल्व कर लेंगे। इस टाइप से हम इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर आज का ये क्वेश्चन हम करते हैं आगे बढ़ते हुए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको सोल्व करूंगा, मैं इसको समझाऊं भीगा, आपको करवाऊं भीगा, और देखना आप कितना टाइम लगता है। तो फिर आप अगर आप अपने हिसाब से सोल्व करते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये आपका 5 मिनट भी नहीं लेगा ये क्वेश्चन। तो 5 मिनट में आपके 4 नंबर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है गेट के लिए। गेट में आपके 5 नंबर आ रहे हैं 4 मिनट में, ठीक है, सॉरी 4 नंबर आ रहे हैं 5 मिनट में, तो ये बहुत बहुत फायदेमंद है। तो चलो आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझते हैं पहले अच्छे से। ए रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन आइडियल वेपर कंप्रेशन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों टेम्परेचर लिमिट बता दी इसने, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है पहली टेम्परेचर लिमिट, और यानी कि लोअर टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हायर टेम्परेचर क्या है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कह रहा है कि रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर एट सैचुरेटेड वेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा है कंडेंसर में वो सैचुरेटेड वेपर में हो रहा है, और लीव्स एज सैचुरेटेड लिक्विड, यानी कंडेंसर में जब एंटर हो रहा है उस टाइम पे सैचुरेटेड वेपर था, और जब बाहर निकला तो सैचुरेटेड लिक्विड था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड हमारा साइकिल बनेगा, ठीक है। एंथैल्पी एंट्रोपी बाकी सब कुछ दिया हुआ है, और उसके बाद निकालना है हमें। सबसे पहले इसका डायग्राम जो बनेगा वो डायग्राम बनाने की हम कोशिश करते हैं। देखो मान लो टीएस डायग्राम, जो सिंपल वीसी साइकिल का डायग्राम है वो हम कैसे बनाते हैं, ये वाला, ये डायग्राम हम बनाते हैं वीसी साइकिल का, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये प्रोसेस होती है हमारी, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर जो 2 है वो 2 पॉइंट क्या है, एंट्री पॉइंट है किसका, कंडेंसर का, और 3 पॉइंट है लीविंग पॉइंट कंडेंसर का। 3 पॉइंट तो ठीक है, उसने कहा लीव्स एट सैचुरेटेड लिक्विड, इस लाइन पे क्या है सैचुरेटेड लिक्विड, और इस लाइन पे जो है सैचुरेटेड वेपर, यानी कि ये 2 पॉइंट यहां नहीं, यहां आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हमारा जो डायग्राम है वो गलत है, ये 2 पॉइंट। अब ये मत कहना कि सर ये 2 पॉइंट आप यहां की बजाय यहां लिख दो, नहीं, एंट्री तो यहीं से हो रही है, जैसे ही कंडेंसर कंप्रेसर से बाहर निकलेगा तो 2 पॉइंट आएगा, ये कंप्रेसर से बाहर और वहीं पे कंडेंसर में इनलेट होगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो आपका इस टाइप से बनेगा, यही बना लेते हैं हम डायग्राम। डायग्राम जो बनेगा, यानी कि ये यहां ही है 2 पॉइंट, और यहां से ये बनेगा 1, सॉरी स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ये इस टाइप से है, 1 2 3 और ये 4, ये बनेगा, ये डायग्राम बनेगा एक्चुअल में। यहां पर कंप्रेसर में इनलेट होगा 1 पे, और 2 जो होगा सैचुरेटेड वेपर पे कंप्रेसर से बाहर निकलेगा और कंडेंसर में एंटर करेगा, और 3 पॉइंट जो आएगा वो कहां पर आएगा आपका, कंडेंसर से एग्जिट जो कर रहा है वो भी सैचुरेटेड लिक्विड कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट यहां पर, ये एक्चुअल डायग्राम होगा इसका, ठीक है। तो ये डायग्राम होगा, 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं आपको, ये नीचे वाला टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर वाला टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्वेश्चन में बाकी ये टेबल दी हुई है, उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें मास फ्लो रेट भी दी हुई है। यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास,
जो है दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। एम डॉट की वैल्यू देखो, मास फ्लो रेट दी हुई है यहाँ पर, इफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन रेट इज, रेफ्रिजरेशन सर्कुलेशन जो मास फ्लो रेट होती है वो रेफ्रिजरेंट की होती है, रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, साइकिल के अंदर कौन सा क्या सब्सटेंस है, रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट की मास फ्लो रेट कितनी दी हुई है, 0.025 केजी पर सेकंड, ये मास फ्लो रेट दी हुई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, उसके बाद ये टेबल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आर ई निकालना है, वो हम निकालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का हमें अभी यूज नहीं है, अभी हमें क्या करना है, सिर्फ आर ई निकालना है हमें, और ये नहीं, तो आर ई निकालना है, तो आर ई का फॉर्मूला या आर सी, देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किलो वाट में दी हुई है यूनिट, किलो वाट में मतलब आर सी निकालनी है आपको, क्या निकालना है, आर ई नहीं निकालनी, आर सी निकालनी है, और आर सी का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लेते हैं, एम डॉट इन टू क्या होता है यहां पर एच वन माइनस एच फोर, अभी तक तो हमारे पास एच वन भी नहीं है एच फोर भी नहीं है, एम डॉट है सिर्फ, ठीक है। अभी देखो जो जो वैल्यू हमारे पास आती जाएगी उसको हम लिखते जाएंगे, एम डॉट है हमारे पास, ठीक है, मैंने इसको टिक कर दिया है कि हमारे पास एम डॉट है। अब यहां से और इस टेबल का यूज करके, देखो इस टेबल का यूज करके और इस ग्राफ से, ये अब इसका कोई यूज बचा ही नहीं है, ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका कोई मतलब नहीं बनाया, क्योंकि हमने स्टेटमेंट के बेस पे यो डायग्राम बना लिया, अब जो बचा है बाकी इस टेबल का यूज बचा है, इस टेबल को यूज करके यहां से कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारे साथ प्रॉब्लम यह होगी, जो वन पॉइंट था यहां पे आता था वो यहां अंदर आ गया बीच में, तो वन पॉइंट को हम यहां पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो वन पॉइंट पे हमें नहीं पता एंथैल्पी क्या है। हाँ, अब ये टू पॉइंट यहां पर आ गया तो एच टू लिख सकते हैं हम, एच टू की वैल्यू क्या होगी, एंथैल्पी एट टू पॉइंट क्या होगी, ये क्या लाइन है, जी लाइन, एच जी, और कितने टेम्परेचर पे है ये, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एच जी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो दिया हुआ है 40 वाली ये नीचे वाला और एच जी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आई आपके पास 200 किलो जूल पर केजी। चलो एक तो वैल्यू हमें पता चली एच टू की वैल्यू। अब 2.3 भी सेचुरेशन का रुपए है, एच थ्री की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन ये एफ वाली का रुपए है, तो यहां पर लिख लेंगे एच एफ एट किस टेम्परेचर पे, ये भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये वैल्यू कितनी आई, एच एफ एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रहा, ये 80 किलो जूल पर केजी, और एक्चुअल में हमें पता है कि एच थ्री इक्वल टू एच फोर होता है, तो यानी कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है यहां पर हमारे पास एच फोर भी आ गया, ठीक है, H4 लिख लो या इसको H3 लिख लो। अब है H1, H1 नहीं है हमारे पास, RC निकालने के लिए देखो ये 1 पॉइंट यहां पर है, हमें H1 निकालना पड़ेगा, और H1 निकालना है, H1 को कैसे निकालने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और यही मेन एक्चुअल में मेन क्वेश्चन यही है कि आप पहले H1 को निकालो, H1 को निकालेंगे तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। अब H1 को कैसे निकालें, देखो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में जाएं हम फिर से, तो H1 की वैल्यू क्या होगी, मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं H1 के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के हिसाब से, सॉरी H1 इक्वल टू क्या आएगा, HF इस जगह पे, इस पॉइंट पे निकाल रहे ना, इस लाइन पे देख लो, HF प्लस X इंटू Hg माइनस HF, अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला वेट रीजन में अगर हम निकालते हैं एंथैल्पी, तो ये फॉर्मूला होता है, और ये कितने पे है, एट माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वाली वैल्यू जो लेनी है सारी किस पे लेनी है, माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास Hg भी है और HF भी है, देखो टेबल में दिया हुआ है, टेबल में माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF भी है और Hg भी है, लेकिन एक्स नहीं है, तो हमारे पास देखो इस फॉर्मूले में, ये क्वेश्चन करने का बिल्कुल सही तरीका है, पहले आर ई, देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, पहले आर सी लिख लिया हमने, आर सी में जो वैल्यू है हमारे पास, जो मिल गई हमारे पास एक एक वैल्यू वो निकाल ली, उसके बाद ये वैल्यू नहीं है, तो एच वन को निकालने की अब हम कोशिश कर रहे हैं, तो एच वन की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो
एच वन का ये फॉर्मूला लिख लिया हमारे पास, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये -20 वाली टेम्परेचर है, इस पे हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है। प्रॉब्लम आई हमारे पास कि हमारे पास एच एफ है, एच जी है, बट एक्स नहीं है, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं है, हमें नहीं पता कि इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए अब क्या करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन हम कैसे निकालें। ठीक है, तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने का एक और तरीका देखते हैं, हम देखते हैं 1-2-2 जो प्रोसेस है। ठीक है, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए, ठीक है, अब तो हमें सबसे पहले H1 निकालना पड़ेगा। H1 निकालने के लिए हमें टू फाइंड H1 वी हैव टू फाइंड X। H1 को फाइंड करने से पहले हमें X निकालना पड़ेगा, X। लेकिन देखो, X को निकालने का तरीका मैं बताता हूं आपको क्या है, X को कैसे निकालें। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी टाइप में, तो अब X को निकालने का, वन पॉइंट पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है वो निकालनी है हमें। X को निकालने के लिए हमें एक कंडीशन लगा सकते हैं कि हमें ये पता है कि 1-2-2 जो प्रोसेस है, 1-2-2 जो प्रोसेस है वो कौन सी है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब ये है कि S1 इक्वल टू S2 है, S1 की वैल्यू किसके इक्वल है, S2 की वैल्यू के इक्वल है, और जो S2 है 2 पॉइंट इस G कर्व पे है, क्या है, SG एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वैल्यू हमारे पास है। देखो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे SG की वैल्यू ये रही 0.67 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू यहां पर टेबल से देख ली हमने, ये रही टेबल पे, ये वैल्यू टेबल पे की देखी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे SG की वैल्यू ये S2 है। ठीक है, S2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, और S2 को S1 के इक्वल पुट कर देंगे और S1 से निकालेंगे हम ड्राइनेस फ्रैक्शन। S1 से कैसे निकालेंगे, देखो वन पॉइंट पे S1 के लिए ये फॉर्मूला, जैसे S1 के लिए फॉर्मूला जैसे HF के लिए लिखा है, वैसे ही इस S1 के लिए, सॉरी H1 के लिए लिखा है, वैसे ही हम S1 के लिए भी लिख सकते हैं। S1 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, SF प्लस X इंटू SG माइनस SF, और ये वन पॉइंट किस पे है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से हम x निकालेंगे, s1 की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर देंगे, s2, क्योंकि s1 और s2 क्या है, इक्वल है आपके पास, s1 और s2 इक्वल है, तो s1 की जगह तो क्या पुट कर देंगे हम, s2 इक्वल टू sf प्लस x इंटू sg माइनस sf एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। देखो दिया हुआ है -20 पे, -20 वाली लाइन ये रही, ये रहा एस एफ और ये एस जी। एस टू की वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले हमें एस टू की वैल्यू पुट करनी है, तो एस टू की वैल्यू क्या है, 0.67 इक्वल टू, अब एस एफ -20 पे, ठीक है, ये -20 पे ये रहा एस एफ 0.07 प्लस एक्स इंटू एस जी की वैल्यू -20 पे ही, ये वाली वैल्यू एस जी की है पीछे वाली, 0.7366 माइनस 0. एस एफ की वैल्यू कितनी है, 0.07। ठीक है, ये वैल्यू यहां से देखो आपके पास सब कुछ आ गया, सिर्फ x नहीं है, यहां से x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू आएगी 0.9। अभी x की वैल्यू 0.9 आई है, ये इसमें पुट करेंगे तो आपके पास h1 आ जाएगा, तो h1 उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, h1 इज इक्वल टू क्या है, एच एफ प्लस एक्स इंटू एच जी माइनस एच एफ एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर से टेबल ले आते हैं हम, यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो H1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, H -20 पे, ठीक है, ये टेबल है हमारी, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले HF की वैल्यू कितनी है, 20, X की वैल्यू हमने अभी निकाली थी यहाँ पर, ये रही
0.9, फिर एच जी ये रहा -20 पे कितना है 180, और ये फिर HF 20, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने के बाद H1 की वैल्यू आपके पास आएगी 164, H1 की वैल्यू कितनी आएगी 164, ठीक है, इजी। फिर जो ये H1 जो आया है, हमें फिर से पीछे चलते हैं हम, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। आरसी में एम डॉट भी आ गया, एच वन भी आ गया, एच फोर भी आ गया, तो आरसी इज इक्वल टू एम डॉट की जगह 0.025, एच वन जो हमने अभी निकाला है कितना है 64 किलो जूल पर केजी, तो 164, और एच फोर किसके इक्वल है, एच थ्री के इक्वल, और एच थ्री कितना है 80, ठीक है, ये पुट कर देंगे। तो आरसी की वैल्यू आपके पास यहां से निकल के आएगी 2.1 किलो वाट वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.1 किलो वाट। देखो ये क्वेश्चन था हमारा, आंसर क्या है, ये रहा 2.1 किलो वाट, ए आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का यही मेन थी। अब देखो पहला आ गया तो दूसरा तो बहुत इजी है, दूसरा क्या निकालना है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में, सीओपी, सीओपी का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली हमें पता है सीओपी का फॉर्मूला है H1 - H3 / H2 - H1, ये सीओपी का फॉर्मूला है H1 - H3 / H2 - H1। वैल्यू सारी है हमारे पास, H1 भी है, H1 हमने अभी निकाला था कितना है 164, H3 की वैल्यू 80 है, ये रही H3 की वैल्यू यहाँ पर, H2 की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 200 - 164 2.33। देखो दूसरा क्वेश्चन में तो एक सेकंड भी नहीं लगा, दूसरे से आधी मिनट में हमारा दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, 2.33 ये ऑप्शन आ गया आपके पास, बी ऑप्शन। तो दो दो नंबर के दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए, चार नंबर अगर आप अच्छे से करेंगे 5 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको इसलिए इतना टाइम लगा है। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो देखो ये क्वेश्चन में फटाफट हम देख लेते हैं, आइडियल वेपर कंप्रेशन पे है -20 और 40 टेम्परेचर लिमिट दे रखी है, रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में सैचुरेटेड वेपर में लीव कर रहा है, यानी कि 2 पॉइंट यहां पर आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये डायग्राम नहीं आएगा, 2 पॉइंट यहां पर आ जाएगा, 2 पॉइंट शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, तो ये लाइन कहां से हो जाएगी, ये यहां पे बन जाएगी, है ना, तो ये 1 पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये वाला डायग्राम हट जाएगा हमारा, तो 1 यहां पर 2 यहां पर 3 यहां पर 4 यहां पर ये डायग्राम बन गया सबसे पहले। तो उसके बाद हमें पता है कि 2 पॉइंट जी कर्व पे है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं जी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 पे ये आपके पास जो वैल्यू टेबल में है वो देख लेंगे। एच थ्री क्या है, एफ का रूपे है, एच एफ एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेबल से 80 आ गया, और H3 इक्वल टू H4 है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास एम डॉट भी है, ये वैल्यू है आरसी में एम डॉट H1 - H4, H1 नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये H1 कैसे फाइंड करना है। अब H1 का फॉर्मूला जो है हमें पता है, H1 का फॉर्मूला क्योंकि ये वेट रीजन में है, और वेट रीजन में जो फॉर्मूला होता है H1 का वो ये होता है, यहाँ पर है ना, ये 1 पॉइंट यहाँ पे है, तो H1 का फॉर्मूला होता है HF + X (Hg - HF, किस पे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये। तो ये फॉर्मूला तो है हमारे पास, X की वैल्यू नहीं है, HF है, Hg है, सब है, टेबल में है, देख लो चाहे यहां पर टेबल में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे HF भी है और Hg भी है, X नहीं है। तो अगर H1 हमें निकालना है, अगर हमें H1 निकालना है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, X निकालना पड़ेगा, और X को निकालने के लिए फिर क्या करें, फिर दिमाग में आया कि जो 1 और 2 प्रोसेस है, 1 to 2 प्रोसेस जो है वो आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यानी कि 1 to 2 प्रोसेस पे एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम 1 to 2, यानी कि S1 = S2, और S2 जो पॉइंट है वो G कर्व पे है, तो S2 को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली Sg at 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये G कर्व है, ये कौन सी कर्व है, जी कर्व है, Sg at 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू टेबल में है, Sg ये रहा Sg, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वैल्यू हमने देख ली, ठीक है, ये रख दिया।
ये वैल्यू हमारे पास S2 आ गई, और S1 के लिए क्योंकि हमें तो X की वैल्यू निकालनी है ना, X के लिए क्या करेंगे, S1 वन पॉइंट पे जैसे H1 का फॉर्मूला है ऐसे ही S1 का भी आएगा। S1 क्या आएगा, SF प्लस X इंटू SG माइनस SF, और ये वैल्यू जो लेनी है SG और SF की किस पे लेनी है, क्योंकि ये वन पॉइंट माइनस 20 पे है तो ये दोनों वैल्यूज माइनस 20 पे ही लेनी है। ठीक है, बस टेबल से हमें ये माइनस 20 पे हमें हमारे पास वैल्यूज है, माइनस 20 पे ये रही SF और ये रही SG, ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, और S2 S1 की जगह क्या पुट कर देंगे, हम S2 पुट कर देंगे क्योंकि S1 और S2 इक्वल है, 1:2 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, तो S1 की जगह S2 पुट कर देंगे, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल पुट कर दिया, तो S2 ये S1 की वैल्यू पुट कर दी, ये SF और SG की वैल्यू निकाल के यहां से X की वैल्यू आ गई। बस यहां से क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो गया, X आ गया। X आने के बाद X को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो H1 आ जाएगा, इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, सारी वैल्यूज पुट कर दी टेबल से माइनस 20 पे, तो H1 आ गया। H1 को फिर यहां पर पुट कर देंगे, H1 को RC में, RC वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास RC की आ जाएगी। क्वेश्चन सोल्व ऐसे ही COP, COP में भी H1 चाहिए था हमें, तो COP में अब हमारे पास H1, H3, H2, H1 सब आ गया, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, तो दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए हमारे पास। तो ये देखो दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए, 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, ये 4 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप सोल्व करोगे अपने हाथ से, तो आपको 5 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट में 4 नंबर बहुत बहुत ही फायदे का सौदा है, और बहुत ईजी है अगर स्टेप बाय स्टेप आप करते हो, इसमें कुछ भी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, कोई फॉर्मूले वॉर्मूले फालतू का याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सारा कॉन्सेप्चुअल बेस है। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच।